हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपका स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो आज मैं करी व्लॉग, और आज का जो दिन है वो फ्राइडे का। तो हमारे घर में बहुत सारे जो सेटिंग है चेंज हुए हैं बेड के, जैसे हमेशा हर लोग करते हैं वैसे हम लोग भी चेंज करते हैं, बट बहुत दिनों से नहीं किए थे। तो फाइनली आज हुआ है सेटिंग चेंज घर का। और उस बीच में कोई ब्लॉग नहीं करी क्योंकि मैं बस बैठ के देख रही थी। मेरे हस्बैंड इधर से उधर बेड वगैरह किए, अलमारी वगैरह सब चेंज हुआ है। चेंज करते रहने से घर की सेटिंग ना एक चीज़ अच्छी होती है कि घर की साफ सफाई अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए। तो आप देख सकते हो मैं नहा के आई हूँ, मेरे बाल भी गीले क्योंकि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे को हेयर वॉश करती हूँ मैं, और कल गए थे हम डॉक्टर पास। तो जो भी अभी मेरा हेल्थ कंडीशन जो भी चल रहा है वो सब डिटेल आपको देखने मिलेगी कुछ दिन बाद। मैं पूरा बहुत सारे चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और मेरा स्किन कोई माइंड मत कीजिएगा, मेरे फेस में बहुत सारे पिंपल, दाने, दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन ये सब आ रहे हैं। वो सब क्यों आ रहे हैं वो सब जैसे मैं बताई, बहुत सारे चीज़ मैं एक साथ शेयर करूँगी। इसके बाद ब्लॉग आते रहेंगे जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव भी होंगे और हेल्पफुल भी होंगे बहुत लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और जो घर में सेटिंग हुई वो सब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और खाना वगैरह मुझे बनाना नहीं है। और जो मेरे बहुत दिल के करीब था मेरा फ़ोन, जो कि मेरे हस्बैंड मेरे को फर्स्ट टाइम लेके दिए थे स्क्रीन टच मोबाइल, वो मेरे जो पापा है वो तोड़ दिए हैं। तो कल वो लोग आए थे मेरे पेरेंट्स, तो उनको मैं कीपैड मोबाइल लेके दिए। और जो मेरा फ़ोन टूट गया वो मैं रख ली हूँ, मे बी उसको मैं बनवाऊँ या फिर जो भी रहेगा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिलहाल घर की जो सेटिंग है वो दिखाती हूँ, और चलिए शुरू करती हैं आज से ब्लॉग। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो बेड का पोजीशन है वो फिर से चेंज हो गया है। हर बार हम लोग करते थे बट इस बार लेट हुए। तो यहाँ पे जो अलमारी थी आयरन वाली वो चली गई है वहाँ पे, और ये सोफ़ा जिसमें मैं बेड की पूजा करती हूँ, और बाकी पूरा बेड इस तरीके से अरेंज है। ये भी हमारा एक अलमारी है जिसमें हमारे कपड़े रहते हैं, ये भी है जिसपे भी कपड़े या फिर कुछ कुछ सामान रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा सेटिंग हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो कूलर देख सकते हो उधर है, तो इक्वली सबको हवा मिल जाएगा, मतलब कूलर अगर चालू होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो। फिलहाल आज तो थोड़ी ठंड है। और यहाँ पे रखा है मेरे टूटा हुआ मोबाइल। तो ये मोबाइल देख सकते हो आप लोग, जो कि मेरे फादर को मैं दी थी यूज़ करने के लिए, जिसे पूरा उन्होंने तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है। तो ये फ़ोन चालू है, बस इसका जो सामने का आपको दिख रहा है ना स्क्रीन वो गया हुआ है। मे बी चालू हो जाए ये, हाँ देख सकते हो सैमसंग का है ये। इसका जो क्या बोलते हैं, इसका डिस्प्ले उड़ गया है पूरा, और सामने का कांच वगैरह भी ख़राब हो गया। तो इसको बनवाना है, और फ़ोन आता है फ़ोन जाता है, सब चीज़ ठीक है। इसको हम लोग लिए थे शादी के बाद 2016 में, 16 या 15 में मेरे हस्बैंड मेरे को लिए थे। ये ऑनलाइन फ़ोन था, और ये 4G नहीं है, ये 2G कुछ है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करना बंद कर दी। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मैं भी बनाए जो भी करे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कल मेरे जो पेरेंट्स आए थे वो लोग खाना बहुत ज़्यादा बचा दिए, मतलब बना दिए थे तो बच गया खाना। तो ये सब्जी है और ये चावल यहाँ पे गर्म हो रहा है, रोटी भी है। तो मेरे को लग रही है थोड़ी सी भूख। तो फ्रिज में तो बहुत सारे चीज़ें खाने के, पर मेरे को खाना है ये कपकेक। कितने लोगों को ये पसंद है कमेंट करके बताना। तो मैं इसको खाती हूँ, फिर खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ ये लाल भाजी, क्योंकि मेरे को आजकल भाजी खाना बहुत पसंद आ रहा है, बाकी मुझे उतना कोई चीज़ टेस्टी नहीं लग रही है। तो इसको मैं गरम कर लेती हूँ और एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने, तो लंच में क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सा लंच है, ज़्यादा तामझाम नहीं किए। कल का ही जैसे बच गया था रात का खाना, मैं आपको बताई वही सब हम लोग अभी खा लेंगे, और फिर उसके बाद जो भी करेंगे वो आपको बताते जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बैठ गए खाना खाने, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने अब, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना पीना हम लोग का हो गया है, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 का। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो मेरे हस्बैंड मोबाइल देख रहे हैं। तो मैं बैठी हूँ हॉल में क्योंकि मुझे ना एक दवाई खानी है, तो आधा घंटा गैप करके मैं थोड़ा लेती हूँ, तो इसलिए रुक गई हूँ। तो अभी 5 मिनट बाद दवाई लूँगी और मैं भी चले जाऊँगी सोने, और धूप बहुत ज़्यादा है बाहर,
हल्का ठंड है, मतलब ज़्यादा नहीं है, हल्का ठंड है। हम लोग कोई स्वेटर नहीं पहन रहे फिलहाल तो, पर ठंड है यहाँ पे। और मैगी की जो तबीयत है, मैगी कौन बता दूँ, मैगी हमारी डॉग है जिसको हम लोग रखे हैं घर में, तो उसकी थोड़ी तबीयत मेरे को भी ठीक नहीं लग रही है कि थोड़ा वो ना अच्छा नहीं फील कर रही है, और मे भी उसको थोड़ा पैर में कहीं लगा है, थोड़ा लचक रही है। चलेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तभी वो इधर उधर हो रही है, तो दरवाज़ा बंद करूँगी फिर हम लोग जब सोने जाएंगे तो वो भी सो जाएगी। और बेड के नीचे वो सोती थी घुस के, पर अब अंदर नहीं घुस पा रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, तो अभी शाम के रात के 8:30 बज रहे हैं, तो बीच में मैं कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की, मैं सोई उसके बाद उठी ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा मैं डाउन फील कर रही हूँ आजकल। और कल हमको जाना है कुछ काम से बाहर, ब्लड वर्क और कुछ कुछ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना जो बैग है वो रेडी करूँगी, क्योंकि जो पेपर वगैरह वो अरेंज करने रहते हैं, और वहाँ जाओ तो फिर ये मांगते वो मांगते तो खोजा खाजी होता है। और एट द पॉइंट हम लोग डॉक्टर अपने चेंज कर दिए हैं, और जो भी हो, जो भी मैं बताई, जैसे हमको पहले ही बोली, मैं पूरा डिटेल शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग ब्लॉग्स में। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगी ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, तो मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा बैठूँगी, बात वगैरह करूँगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं अकेले रहती हूँ। एक्चुअली मैं क्या है, मेरे जो घर वाले वो भी रह सकते हैं आके मेरे साथ, बट वो लोगों को भी बहुत काम रहते हैं कुछ कुछ, क्योंकि काम रोज कमा के खाने वाले हैं, तो वो भी नहीं आ सकते। और फिर मेरे पापा भी एज वाले, तो वो लोग, उनको खाना वाना भी देना रहता है, बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। बट होपफुली हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने मतलब अकॉर्डिंग, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ खुद संभाल लेते हैं। तो बस थोड़ी सर्दी जुकाम इस तरीके से लग रही है, तो मैं अपना जो बैग है वो दिखाती हूँ आपको, कि मेरा एक पूरा बैग है फाइल का, तो वो दिखाती हूँ, उसको मैनेज करती हूँ। और खाना मैं बनाऊँगी नहीं, नीचे जाएंगे और एक ठोक वो खाती हूँ मैं, चिक्कू, आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा। ठीक है, दिखाती हूँ। तो ये अलमारी खुली रह गई है, मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, तो पूरे मेरी अलमारी फैली हुई, इसलिए बंद कर दो। तो ये ब्लैक कलर का एक बैग है मेरा, जो कि मैं ऑनलाइन ही परचेज की थी पता नहीं किससे। तो इसमें मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, मेरे पूरे फाइल, जो भी मेरा मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी है वो पूरा फाइल इसमें है, और जो भी चीज़ें इसमें, बहुत सारे सेक्शन है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं बहुत ईजी टू कैरी है, तो इसमें ही सब रहते हैं। तो अरेंज तो है, मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा हॉस्पिटल बैग है अभी तक फ़िलहाल, जब भी मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तो ये वाला जो बैग है ये कैरी करके जाती हूँ। तो इसमें है चीकू, ये वाला ना मैं भगवान को चढ़ाई थी, तो इसको मैं खाती हूँ। हम लोग मिश्री भी चढ़ाते हैं भगवान को कभी कभी, जब फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं रहता, तो इसको मैं खाती हूँ। आप लोग क्या बोलते बताना, हम लोग चीकू बोलते हैं, आलू बुखारा भी बोलते हैं मेरे ख्याल तक इसको। तो हमारे इधर ना वीक में जो बाज़ार लगता है एक दो दिन वो लगता है, तो वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सस्ता मिल जाता है थोड़ा लेट नाइट से जाओ। तो मेरे हस्बैंड गए थे तो वो लेके आए सब्ज़ी वगैरह जो हमें चाहिए था वो सब, और नीचे भी बहुत सारे सब्ज़ी दिए हैं माँ को बनाने के लिए, तो ये सब सब्ज़ी हमारे लिए है, तो इसको अरेंज करेंगे, फ्रिज में डालेंगे, उसके बाद हम खाएँगे खाना। तो आज जो खाना है वो कुछ बना नहीं है, क्योंकि दिन का जो खाना वो सब रखा है वो सब मैं गर्म कर ली हूँ, वही हम लोग खाएँगे रात में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल का जो व्लॉग है वो मैं ख़त्म करना भूल गई थी, और अभी ये जो व्लॉग है ख़त्म कर रही हूँ सुबह, क्योंकि कल ऐसे तैसे निकल गया। तो कल सब्जी वगैरह आया, उसके बाद देखिए आप लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर कुछ था ही नहीं तो मैं आप लोग क्या दिखाती। तो अभी जस्ट सुबह के जो सारे काम है वो हो गए घर के, और मैं जा रही हूँ अब अपना जो भी रारा धोरा वो करूँगी, क्योंकि जा रहा है जैसे आपको बताइए हमारा काम है, आज जा रहा है 12 बजे तक, तो अभी 10:30 बज रहे, तो वो सब निपटा के फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि खाना भी मेरे को बनाना है। तो इसी के साथ ये जो व्लॉग है ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये अजीबो गरीब मेरा दिन का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो जैसे अभी निकल रहा है, और जैसे मैं आपको बताई मैं बहुत सारा चीज़ अपना आगे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो उसके लिए बने रही साथ में। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।